मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लोगों से भरी लिफ्ट टूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक परिवार बाल बाल बचा। घटना के समय लिफ्ट में 10 से 12 लोग मौजूद थे, जिनमें महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। एकाएक लिफ्ट टूटने से वह भरभराकर तलहटी में जा गिरी और उसमें चीख पुकार मच गई। गनीमत यह रही कि लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर के करीब आकर टूटी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लिफ्ट टूटने के दौरान सेल्फी लेते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल भिंड शहर में चक्कर वाली पुलिया के पास कुछ महीने पहले ही किंग इम्पीरियल नाम से एक होटल और रेस्टोरेंट शुरू किया गया है, जिसमें आए दिन जन्मदिन, एनिवर्सरी आदि के फंक्शन होते रहते हैं। मंगलवार रात एक परिवार मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए होटल में पहुंचा। दुबे परिवार के सभी सदस्य, जिनमें महिला, पुरुष और बच्चों को मिलाकर 10 से 12 सदस्य, लिफ्ट में सवार हो गए। इस दौरान एक शख्स लिफ्ट में ही सेल्फी वीडियो बनाने लगा। सभी लोग बेहद खुश नजर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच एकाएक लिफ्ट टूट कर नीचे जा गिरी और उसमें चीख पुकार मच गई। जब हमने होटल स्टाफ से बात करी इस घटना के बाद, तो होटल स्टाफ का कहना था यहाँ कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं टूटी है, आप लोग जबरदस्ती का सीन क्रिएट कर रहे हैं। और अभद्रता के साथ हमसे कहा यहाँ से निकल जाओ, यहाँ हमारे दूसरे फंक्शन चल रहे हैं, चलिए निकलिए यहाँ से। तो बदतमीजी करने लगे आप लोगों के साथ? हाँ भाई साहब, बदतमीजी करने लगे। इस तरीके का स्टाफ यहाँ का बड़ा वाहियात है। हमारी जान जाते जाते बची, उनको लिफ्ट, उनको कहना कि हमारी लिफ्ट टूटी नहीं, और बोलिए तो हम आपको वीडियो दिखा दे कि हमारे पास सब कुछ लिफ्ट टूटी, हम उस लिफ्ट में ही थे जब उस समय लिफ्ट। अपने सीसीटीवी कैमरे चेक कराए ना? हाँ, अपने सीसीटीवी कैमरे चेक कराएं। वो अगर उन्होंने डिलीट कर दिया होगा अपने सीसीटीवी कैमरे से, तो हमारे पास रिकॉर्डिंग, उस टाइम की रिकॉर्डिंग बताएं। और उस टाइम वहाँ पर किसी की शादी थी और बारात आ रही थी, कल किसी की शादी थी और उसमें एक बच्चा भी चढ़ने वाला था बारात वालों का, तो उसको हमने रोक दिया था। ये सारे गवाह हैं वहाँ पर, जिन लोगों के सामने लिफ्ट के अंदर ये वारदात हुई है। भिंड से ईएमएस टीवी के लिए अमरकांत सिंह चौहान की रिपोर्ट। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।